नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कन्हैया कुमार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्हैया को जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की खंडपीठ ने कन्हैया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी और राजू रामचंद्रन की दलीलें सुनने के बाद कहा कि शीर्ष अदालत यदि सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो इसका गलत संदेश जाएगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस से उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। डेमोक्रेटिक दावेदार हिलेरी क्लिंटन की लोकप्रियता गिरी, सैंडर्स को बढ़त। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की प्रबल दावेदार हिलेरी क्लिंटन की लोकप्रियता गिरती दिख रही है, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स ने पहली बार आंशिक बढ़त हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए नए सर्वेक्षण में जानकारी सामने आई है। 74 वर्षीय सैंडर्स का डेमोक्रेटिक पार्टी के 47% प्राथमिक मतदाताओं ने समर्थन किया है, जबकि हिलेरी की हिमायत 44% लोगों ने की है। एक महीने पहले 68 वर्षीय हिलेरी का डेमोक्रेटिक पार्टी के 49% प्राथमिक मतदाताओं ने समर्थन किया था। मुंबई लोकल की चपेट में आकर 4 गैंगमैनों की मौत। उपनगर कुर्ला और विद्याविहार स्टेशनों के बीच एक ट्रेन की चपेट में आने से शुक्रवार सुबह 4 गैंगमैनों की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह 6:15 से 6:30 के बीच तब हुआ जब रेलवे के 4 गैंगमैन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जा रही एक उपनगरीय ट्रेन की चपेट में आ गए। ये गैंगमैन अनुबंध पर रखे गए कर्मचारी थे। कोर्ट को तय करने दें कि मेरा बेटा देशद्रोही है या नहीं, उमर खालिद के पिता ने कहा। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के 10 आरोपी छात्रों में से एक उमर खालिद के पिता ने शुक्रवार को कहा कि यह न्यायपालिका को तय करना है कि वह मामले में संलिप्त था या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि उसे मीडिया ट्रायल से अलग रखा जाए। सैयद कासिम रसूल इलियाफ ने कहा कि यदि उमर देशद्रोही है तो इसका फैसला अदालत द्वारा किया जाना चाहिए। दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश। आप विधायक अलका लांबा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली विधानसभा की आचरण समिति ने भाजपा विधायक ओपी शर्मा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की है। 10 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भाजपा विधायक को सुश्री लांबा से क्षमा मांगने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। शर्मा के खिलाफ यह रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब उन पर पटियाला हाउस अदालत में वाम दल के एक कार्यकर्ता की सरेआम पिटाई के आरोप लगे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।